हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कुत्ते और उसके मालिक के बीच का जो रिश्ता होता है ना, काफी अनोखा होता है। हाचिको तो आपको याद ही होगा, जिसके मालिक की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता अपने मालिक का 9 साल तक इंतजार करता है। कुत्ते जितने वफादार होते हैं, उतने तो इंसान भी नहीं होते। लेकिन आज हम आपको अमेरिका के ऐसे शख्स की बात बताने जा रहे हैं, जिसके कुत्ते ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम में फंस गए हैं जनाब। दरअसल ये कहानी है थॉमस बार्नेस और उनके कुत्ते मारिनो की। अब भाई जरा मारिनो की शक्ल देखिए, कितना प्यारा और मासूम कुत्ता लग रहा है ना। लेकिन नहीं, आप इसकी शक्ल पर ना जाइए, क्योंकि मिस्टर मारिनो असल में काफी शैतान है। अब देखिए, बार्नेस टीवी देख रहे थे, तभी मारिनो बेड पर चढ़े और कूद कूद करने लगे। मस्ती में देख मारिनो को बार्नेस ने कुछ नहीं कहा और वो भी टीवी देखने में बिजी हो गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मारिनो के मालिक के होश ही उड़ गए। दरअसल गलती से उनके कुत्ते मारिनो ने पॉर्न चैनल हसलर सब्सक्राइब कर दिया। जैसे ही बार्नेस ने देखा, उन्होंने केबल ऑपरेटर को फोन करके इसकी सेवा बंद करने की रिक्वेस्ट की और कहा कि गलती से सब्सक्राइब हो गया, आप इसे हटा दें। और उन लोगों ने बार्नेस की बात भी मान ली। लेकिन महीने के एंड में जब बिल आया, तो उसमें अलग से $70 हसलर चैनल के जुड़े हुए थे। ये देखकर बार्नेस चक्कर खा गए। उन्होंने $70 ना भरते हुए अपना बिल तो जमा कर दिया, लेकिन केबल ऑपरेटर ने उनका टीवी सिग्नल ही काट दिया। आपको बता दें, थॉमस बार्नेस ने केबल ऑपरेटर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो $70 तुम मुझसे ले रहे हो, वो मेरे मुंह का निवाला है, ये चोरी जैसा है। बता दें, थॉमस बार्नेस ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी जानवर की वजह से प्रॉब्लम हुई हो। आपको बता दें, अमेरिका के कुत्ते की हरकतों ने उसके मालिक की हालत खराब कर दी थी। 2014 में एक कुत्ता अपने मालिक की कार चलाकर सड़क पर ले गया और दूसरी कार को जोरदार टक्कर दे मारी। न्यूयॉर्क डेली न्यूज की खबर के मुताबिक, इस अजीबोगरीब दुर्घटना में कार के टायरों को ही नुकसान पहुंचा था। रेड लाइट पर अपनी कार में बैठी महिला ने बताया था कि मैंने देखा तो कार में कोई नहीं था, बस एक कुत्ता स्टेयरिंग के ऊपर से झांक रहा था। मैंने आज तक किसी कुत्ते को कार चलाते हुए नहीं देखा। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही हटके स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।